दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार बिहार से लेकर यूपी तक दौरा कर रहे हैं, और हम बात करेंगे मझवा को लेकर। मझवा में जिस तरीके से प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है, और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का दौरा भी हो चुका है। हमारे साथ हैं बनारस के लोग हैं, और इनसे हम जानेंगे कि मझवा को लेकर इनका मिजाज क्या है। ये बताइए, मझवा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, उपचुनाव जो चल रहे हैं? उपचुनाव में सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो वहाँ खाने का इंतजाम हुआ था वो जरा सा उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए, और उसमें ज़रा सा त्रुटि हो गई। वो विधायक जी कंफ्यूज हो गए, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था। अगर निमंत्रण दे रहे हैं तो हम लोग के यहाँ भी अगर कोई आता है निमंत्रण देते हैं तो 500 का तो 700 का खाना बनवाते हैं। अब चूँकि वहाँ 1000 निमंत्रण में निश्चित है विधायक जी के यहाँ होगा तो 5000-7000 आदमी आ ही जाएंगे। अब 5000-7000 आएंगे तो भाई व्यवस्था थोड़ा सा चरमराएगी, और उस चरमराने में कई लोग, कई पार्टी के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये किसी के यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये मुर्गा दारू पैसा पे ही वोट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं नहीं नहीं, दारू की तो बातें नहीं है। दारू कहीं आपने देखा भी नहीं होगा, और वीडियो में भी नहीं आया। हाँ, मीट का था, चूँकि वहाँ पर लिट्टी और मीट था, ये सच है। और लोग कार्यकर्ता उस टाइप के जो हैं गांव देहात के, पहाड़ के तरफ के, वो मीट मुर्गा खाते हैं। तो विधायक जी से बड़ा रिक्वेस्ट किए थे, विधायक जी बनवाए थे, और उसमें अरे हिंदुत्व वाली पार्टी है भैया। हिंदू है, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू क्या नहीं खाते भाई, खाएंगे। निमंत्रण दिए थे विधायक जी, अब आप जबरी ये हमसे कहलवाना चाहते हैं कि ये गलत हुआ, तो गलत कहीं से नहीं है। गलत कहीं से नहीं है, इसको गलत नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, और भी लोग हैं भैया। ये बोटी के लिए जो मार हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए? ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, बताइए इनको रोटी लिट्टी बनवाना चाहिए, ये बोटी बनवा रहे हैं, और उसके बाद 3 किलो बोटी बनवा के और उसमें रस्सा ढेर सी लगा के वहाँ बनवाएंगे तो लड़ाई नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो किसी भी नेता को इस तरह का मीट मुर्गा दारू परोसना नहीं चाहिए, गलत बात है ये। और सबसे बड़ी बात, भाजपा आज के डेट में बहुत बड़ी पार्टी हिंदू धर्म की हो गई है, इनके नेताओं को ये संज्ञान लेना चाहिए किसी भी तरह का मीट मुर्गा भैंसी भैंसा से परहेज करना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मझवा को लेकर हम बात करते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से, थोड़ा सा हमें जगह दे दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से मझवा का जो सरगर्मी बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव ने मझवा का दौरा भी कर चुके हैं मिर्ज़ापुर के, क्या मानते हैं उपचुनाव को लेकर क्या परिणाम आने वाला है? परिणाम तो आपको जान ही रहे हैं, इन लोगों का एक ही समय नारा चल रहा है, एक रहें नेक रहें। हाँ। हम तो यही लोगों को सलाह देंगे, एक रहें नेक रहें। ये जो पार्टियां और ये सब विधायक जी के यहाँ आवास पे जो ये सब काम हुआ है, घनघोर निंदनीय है। ऐसी पार्टी करने की क्या ज़रूरत है? आपकी डबल इंजन की सरकार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में पार्टी है, आपकी राज्य में पार्टी है। आप अपने कामों के द्वारा, कामों के दम पर आइए ना। आप पार्टी करके, आप पार्टी में ऐसे स्लोगन देते हैं, एक रहें तो बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सिर्फ क्या मैसेज जा रहा है? आप सबसे बड़ी पार्टी, आपकी डबल इंजन की उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों में सरकार है, आप अपने काम के नाम पे वोट मांगिए ना, जनता आपको काम के नाम पे वोट देगी। अब ऐसी छोटी मोटी पार्टियाँ करेंगे जिसमें खासकर हमारे हिंदू सनातनी धर्म का नाम बदनाम हो, ये अच्छी बात नहीं है भाई। हिंदुत्व वाली पार्टी पे आप लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, अभी देखिए प्रश्न खड़ा करने की सवाल ये कि ऐसी सी पार्टियां करेंगे तो सवाल खड़ा ही होगा, क्योंकि आपकी केंद्र में ऐसी सरकार है और राज्य में भी है ना, काम के नाम पे वोट मांगिए ना। अगर आप काम किए हैं रियल में, अरे एकदम की है, GST लगाई है, नोटबंदी ऐतिहासिक काम की है, एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, लेकिन पूरे इंडिया में अभी भी कम से कम 10 जगह चुनाव हो रहा है, प्रदेशों में चुनाव हो रहा है,
दो चरण, तीन चरण, चार चरण में हो रहा है। और भी लोग हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से मझवा को लेकर क्या मानते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे एक जो माहौल बनाया गया और माहौल के बाद से लगातार जो सरगर्मी बढ़ता जा रहा है। देखिए, राजनीति में ये हमेशा चुनाव, उपचुनाव, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और भाई, सत्ता सरकार इस समय भाजपा की है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जीते और सरकार में आगे आके बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करें। रोटी के लिए, रोटी के लिए मार हुआ था, पता है ना, ये तो होता रहता है। ये भाई रोटी और हिंदुत्व वाली सरकार है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, होता तो रहता है हिंदुत्व वाली सरकार। और उस दिन जिस दिन सारे लोग बनारस सहित पूरे पूर्वांचल के लोग देव दीपावली, देवों की दीपावली में चूर थे, और वहाँ पे बकरा के और रोटी के लिए मार हो रहा है, आप ये बताए। देखिए, ये किसी भी धर्म की कोई पार्टी ठेकेदार नहीं है। अगर कोई ठेका लेता है तो ये ना बहुत शर्म की बात है। हाँ, समझ गए कि नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अच्छा, ये बताइए, कोई पार्टी ठेका नहीं लिया? नहीं, कोई ठेकेदार नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व तो की बात कौन पार्टी करती है भाई? स्वाभाविक बात है, इस समय तो भाजपा कर रही है। हाँ, तो भाजपा करती है तो दिखाई दे रहा है, जो आपको भी समझ में। भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार नहीं, आपके भाई हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि हिंदुत्व की पहाड़ा पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है, बोटी और रोटी को लेकर मार कैसे हो गई? ये शिक्षा का अभाव है, ये शिक्षा का अभाव है। और अगर जो शिक्षित है वो ये काम नहीं करता, अशिक्षित लोग ये काम करते हैं। जहाँ शिक्षा है वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। जनता को चुनाव आता है तो वो जवाब दे। अभी उपचुनाव है और आप जानते हैं जनता अपना जवाब चुनाव में देती है। तो देखिए, मझवा को लेकर बनारस के लोगों ने बता दिया है, और विस्तार भारत के लिए रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए, विस्तार भारत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।